का एक सिलसिला है, मैं बहुत उसके तफसील नहीं जानता हूँ। मिस्टर जॉर्ज करके एक साथी हैं फ्रांसीसी, वो WSF की वेबसाइट में संपर्क तंत्र बनाने का काम करते हैं, और उनकी ये शिकायत है कि हिंदुस्तान में इतना सशक्त प्रोसेस रहा और हिंदुस्तान में अभी भी दोबारा बात करने WSF करने की बात चली, इतनी मीटिंगें हुई, लेकिन हमारे पास ईमेल्स नहीं हैं। तो ये आज जो बैठक में आए हैं सब साथी, एक तो जो शीट यहाँ घूमती है उसमें सब अपने ईमेल स्पष्ट जरा लिखेंगे, और दूसरा अगर उसमें से किसी को इतराज़ हो कि हम उस जनरल डेटा बैंक में वो न दें, तो वो उसमें ब्रैकेट में लिख दें या अलग से हमको एक कागज़ पे लिख के दे दें, ताकि मतलब एक लोकतांत्रिक ढंग से उन्हीं लोगों के नाम जाएं जो चाहते हैं उस प्रक्रिया का हिस्सा होना, वैसी सूचनाएं पाना, ये जानकारी दें। ये आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज की जो ये मीटिंग सभा है उसमें अभी मार्च में ट्यूनिस में विश्व सामाजिक मंच का आयोजन हुआ था, और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। पहले तो हर वर्ष ऐसा हुआ करता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों से ये 2 वर्ष पर विश्व सामाजिक मंच का आयोजन किसी एक जगह होता है। इससे पहले भी पिछली बार भी उसका आयोजन ट्यूरिस्ट में ही हुआ था। हमारे कुछ मित्र यहाँ हैं और साथी अभी और भी बाहर भी साथी हैं जो वहाँ गए थे और उस प्रक्रिया में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो अभी जो पहला भाग है हमारी मीटिंग का, उसमें वो लोग जो गए थे वहाँ वो अपने अनुभव आपसे साझा करेंगे और ये बताएंगे कि विश्व सामाजिक मंच की प्रक्रिया किस स्तर पर और कैसे चल रही है। यहाँ भारत में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के बीच की अब वो प्रक्रिया उतनी तीव्र नहीं है, या फिर वो शिथिल हो रही है, या उसकी सार्थकता कम हो रही है, तो उन सारी बातों की जानकारी हमें मिलेगी और फिर हम इसके बाद वाले सत्र में इस पर विचार करेंगे कि हाउ टू कैरी दिस प्रोसेस इन इंडिया। तो मैं सबसे पहले, अधिक समय नहीं लेते हुए, सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा हमारे मित्र श्री ब्रिज पटनायक जी से, जो कि राइट टू फूड के कैंपेनर हैं और वो उसके कुछ में संघर्षरत हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें। विराज जी, धन्यवाद। मैं बस बड़े संक्षिप्त में दोनों बातों को रख लूंगा, एक तो हमारा अनुभव क्या रहा और भारत में क्या गुंजाइश है आगे इस प्रक्रिया को ले जाने के लिए। तो मैं पहले कह देना चाहता हूँ कि WSF की प्रक्रियाओं से मैं ज़्यादा फेमिलियर नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही वर्ल्ड सोशल फोरम पहले अटेंड किया था जो मुंबई में हुआ था, उसके बाद उस इस प्रक्रिया से नहीं जुड़ा हूँ। लेकिन मतलब फोरम कभी अटेंड नहीं किया, लेकिन प्रक्रिया से निरंतर जुड़ा रहा हूँ। इसमें जो परिप्रेक्ष्य था या जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट था 2001 में जब ये पोर्टो अलेग्रे में शुरू हुआ और आज की तारीख में, बहुत सारी नई चुनौतियां एक तरह से सामाजिक सोशल मूवमेंट्स के सामने आ गई हैं। कई सक्सेसेस रहे हैं, लेकिन संदर्भ पूरा बदल गया है, और संदर्भ इस रूप से बदला है कि 2001 में जब ये शुरू हुआ था तब जो न्यू लिबरल कैपिटल के प्रतिनिधि थे उन लोगों का मानना था कि जो वर्ल्ड सोशल मूवमेंट है वो एक बहुत ही विश्वव्यापी सोशल मूवमेंट्स का प्रतीक है, और एक तरह से जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो अब दुनिया चलाएंगे, इस तरह का की आशंका या फिर ये उम्मीद कुछ लोगों में थी। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, चाहे वो फूड क्राइसिस हुआ या फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, और हमने बार बार देखा कि किस तरह से कैपिटल जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट करता गया बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में, खास करके इन 14-15 सालों में, और साइमल्टेनियसली विश्व भर में जो रिसोर्स अप्रोप्रिएशन का माजरा था वो अलग अलग रूप लेता गया, और एक तरह से जो स्थिति 2001 में मूवमेंट्स की थी शायद वो स्ट्रेंथ नहीं है। कुछ अच्छी चीज़ें हुई, अरब स्प्रिंग हुआ, कई जगह डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स थी वो गिरी, लेकिन जो विकल्प जिस तरह से हम लोगों ने सोचा था वो विकल्प नहीं उभर के आए हैं। स्टेट का जो रोल था 2001 में और आज की तारीख में, स्टेट रिप्रेशन हर जगह
ना केवल विकासशील देशों में लेकिन विकसित देशों में बढ़ता गया, नए खतरे उभरते गए, जिस तरह मास सर्वेलेंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और अन्य विकसित देशों की एजेंसियों ने किया। 2001 तक WTO पूरी तरह से ठप हो चुका था, आज की तारीख में WTO फिर उभर के एक थ्रेट के रूप में आ गया है, और उससे भी ज्यादा डैमेजिंग जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स थी या जो अब समझौते हो रहे हैं, चाहे वो TPP हो, चाहे वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो, RCEP हो, जिसमें ना केवल विकसित लोगों के ना केवल विकासशील देशों पे असर पड़ रहा है, लेकिन जो विकसित देश हैं उनके मजदूर संगठनों पे, उनके ट्रेड यूनियंस पे, उनके गरीबों पे भी असर पड़ रहा है। कुल मिला के कहें तो जो दुनिया का जो स्ट्रक्चर, जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का कंसोलिडेशन है कि हर जगह आपको एक ग्लोबल नॉर्थ और एक ग्लोबल साउथ है, हिंदुस्तान, चीन, ब्राजील, रशिया, इन देशों में जो ग्लोबल नॉर्थ का प्रेजेंस इतना बढ़ गया है कि एक अलग तबका बन गया है, वो कंसोलिडेट हुआ है। तो उस इस माहौल में जहां ये सब बदला है, ये WSF एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण था, और खास करके ट्यूनिस और अरब देशों में जो राजनीतिक प्रक्रियाएं पिछले कुछ सालों से चल रही थी उसको मद्देनजर रखते हुए भी ये महत्वपूर्ण था। हम लोग जो गए थे, हम लोगों का काम WSF में दो मुख्य ऑब्जेक्टिव से गए थे। एक तो ये राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझना जो अन्य देशों में चल रही है, अन्य जगह चल रही है, जिसका फर्स्ट हैंड डिस्कशन यहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि कई देशों से, लगभग एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता मुझे, 121 देशों से लोग आए थे, और बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है कि जहां आप सीरिया, जहां आप ग्रीस के सिरिजा पार्टी से भी बात कर सकते हैं और सीरिया के डिसिडेंट ग्रुप से भी बात कर सकते हैं, जहां फिलिस्तीन के एनजीओ से भी बात कर सकते हैं, और इसराइल से आए हुए साथी जो उनके सरकार का विरोध कर रहे हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। तो एक तरह से यूनिक अपॉर्चुनिटी था जिसका हम लोगों ने खूब फायदा उठाया, उस पर मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि बाकी सब लोग उसी पे बोलेंगे। मैं सिर्फ संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि हम लोग जो वहां का ट्रेड स्पेस था ज्यादातर वहीं रहे, और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि हमने दो दिन की एक साइड इवेंट रखी थी जिसमें विजय भाई, ओवेस और साथी भी जुड़े, जो 17 देशों से लोग आए, खास करके अफ्रीका से, आवर वर्ल्ड इज नॉट ऑन सेम नेटवर्क के लिए। और वो हमारा एक और अटेम्प्ट था कि दोबारा से, क्योंकि बाली में आपको याद होगा जो प्रक्रियाएं चली WTO में, उसमें विकासशील देशों में बहुत ही सक्सेसफुली अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने एक दरार डाल दी, जो सबसे कम विकसित देश हैं, जो LDC ब्लॉक है, उनको एक कुछ टुकड़ा फेंक के LDC पैकेज देके उनको अलग कर दिया, और फिर अफ्रीका के जो देश थे उनको अलग कर दिया। तो हमारा एक प्रयास था कि कम से कम जो सभ्य समाज की संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं, इन देशों में अफ्रीका और एशिया और कुछ हद तक लैटिन अमेरिका वापस एक प्लेटफॉर्म पे कम से कम सिविल सोसाइटी की तरफ से एक कॉमन एजेंडा बना पाए और आ सके। तो दो दिन हमारी ये बैठक रही, और जो WSF के दिनों में हमने जो 7-8 बैठकों में मैंने व्यक्तिगत रूप में पार्टिसिपेट किया, वो ज्यादातर ट्रेड से ही जुड़ी हुई थी। और मजे की बात ये थी कि वहाँ काफी ये जो अब हमें सिर्फ एक विकासशील देश के हिसाब से इमर्जिंग इकोनॉमी जिसे आज कहते हैं, WTO के मुद्दे पे हम लोग गए थे वहां, लेकिन वहां जाके देखा कि किस तरह यूरोप में भी बहुत तगड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा है अमेरिका के साथ जो समझौता होने वाला है TPP का, उसको लेके, RCEP को लेके, और किस तरह वहां के जो किसान हैं, लेबर यूनियन है, जो वर्किंग क्लास है, वो भी अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, अप्रैल 18 को डे ऑफ एक्शन हो रहा है, ये सब चीजें पहले भी होती आ रही हैं, लेकिन ट्रेड को लेके पहली बार ऐसा लगा कि हो सकता है कि संभवतः यूरोप की जो मेन स्ट्रीम सिविल सोसाइटी और ट्रेड यूनियंस हैं, और हिंदुस्तान जैसा देश है, या वहां के जो किसान हैं और हमारे किसान हैं, जिस तरह बहुत ही सक्सेसफुली US और यूरोप ने एक दरार डाली थी, वो शायद अब वो दरार जो है वो हम कुछ हद तक की उसको हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं, गुंजाइश है आज, 2 या 3 साल पहले ये गुंजाइश भी नहीं लग रही थी कि वहां के किसान और यहाँ के किसान साथ बैठ के किसी भी मुद्दे पे बात कर सके, लेकिन अब ये जो पार्टनरशिप्स हो रही हैं, दूसरा जो ट्रेड यूनियंस हैं उनमें एक नई टाइप की यूनिटी आ रही है ट्रेड के मुद्दे को लेके, जो पहले नहीं थी, क्योंकि ट्रेड में अभी तक जो भी फायदा हो रहा था वो यूरोप को हो रहा था या US को हो रहा था, लेकिन अब जो इनकी पार्टनरशिप बन रही है उसमें यूरोप को भी बहुत खतरा लग रहा है, खास करके जो छोटे राज्य हैं यूरोपियन यूनियंस में और जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं वहां पे, कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म
बनता नजर आ रहा है। और अगर समाप्त करना हो तो इस बात पे करूंगा कि नैरोबी में जो मिनिस्टीरियल हो गया होगा केन्या में दिसंबर में, एक रणनीति तय हो गई है जिसमें कि अफ्रीका के फार्मर्स ग्रुप्स और इंडिया के फार्मर ग्रुप्स और जो कैंपेन्स हैं वो किस तरह नैरोबी में अपना हस्तक्षेप जो है वो और इफेक्टिव रूप से रख पाए, ये एक उन दिनों में हम लोग तय कर पाए। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा पूरा प्रक्रिया। धन्यवाद। हमारे बहुत से ऐसे साथी भी होंगे शायद आज जो सामाजिक मंच की प्रक्रिया से उस तरह से नहीं जुड़े होंगे पहले, काफ़ी नए लोग मतलब नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं आज, बड़ी अच्छी बात है। और काफ़ी नए युवा लोग भी आए हैं। बस तो अभी इसी सिलसिले में जब अलग अलग लोग बात करेंगे तो आपको एक अंदाज़ा भी होता जाएगा WSF के बारे में, और धीरे धीरे फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो WSF क्या है इसके बारे में जानकारी हमारी बढ़ती जाएगी। और सिर्फ मैं इतना बतला दूं कि बहुत सारी चीज़ें WSF में, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ कि जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं वो उससे WSF कभी भटक नहीं रहा है कभी कहीं भी। वहाँ के संवाद या निर्णय की प्रक्रिया या आपस में बातचीत या खुलापन, ये जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब उसी तरह बरकरार हैं। और उसका मेन थीम है कि हम और किस तरह से लोकतंत्र और लोकतंत्रीय संवाद की ओर बढ़ें। अभी हमने देखा कि जो कुछ भी हो रहा है भारत की राजनीति में, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं और उसमें किस तरह से लोकतंत्रीय मूल्यों को ही चुनौती मिल रही है। तो लेकिन इसलिए इस मीटिंग में भी कहीं कोई वक्त की पाबंदी नहीं है मेरी हमारी ओर से, जो भी पाबंदी है वक्त की ही है कि हमारे पास इतना ही वक्त है, तो हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। और इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात रखेंगे तो मैं अगले, और साथ साथ ये भी शायद जो बोर्ड वक्ता हैं वो ध्यान में रखें कि थोड़ा बहुत जो प्रक्रिया है जो चल रही है वहाँ, जैसे कि उन्होंने अभी कहा, तो जो लोग पहले गए हैं WSF के विभिन्न आयोजनों में, ऐसा लगता है कि वो सब चल रहा है उसी तरह से और सभी तरह के लोग वहाँ आ रहे हैं और वो संघर्ष के लोग हैं और सब बातें हो रही हैं। तो थोड़ा सा और जो हमारे दूसरे वक्ता हैं वो बताएंगे और कि वहाँ WSF काउंसिल की भी मीटिंग हुई होगी, उसके बाद इंटरनेशनल काउंसिल की, तो प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए या जो नई चुनौतियों के बारे में जो नए परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं और नया जो मोड उभर कर सामने आ रहा है उसके बारे में भी अगर कोई वहाँ चिंता हुई होगी तो हमारे साथी उसको शेयर करेंगे। विजय जी।